अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू रिजवानास किचन। आज हम बनाएंगे आलू की चटनी। आलू की चटनी बनाने के लिए कढ़ाई में पहले मैं 4 चम्मच तेल डालूंगी और तेल को अच्छी तरह गर्म होने दें। चॉपर में मैंने 3 बड़े प्याज चॉप करके ले लिया है। इसके अंदर मैंने लहसुन भी डाला था, 6-7 कलियां मैंने लहसुन की डाली थी। अगर आपको लहसुन और हरी मिर्ची को पीस के डालना है तो भी डाल सकते हैं। मिक्सर के बर्तन में मैं चॉपर में ही लहसुन को चॉप कर लिया है। अभी तेल गर्म हो गया है, हम पहले इसमें प्याज डालेंगे। लगता है 8-10 हरी मिर्ची है जिसको मैंने इस तरह कट कर लिया है और थोड़ा सा हरा धनिया, इसमें हम कड़ी पत्ता भी डालेंगे। थोड़ा सा हम उसको ब्राउन होने देंगे, ज़्यादा नहीं। ये चटनी हम डोसे के साथ में भी खाते हैं और जब हम टिक्की दाल बनाते हैं ना, पीले वाली दाल, उसके साथ में भी ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। और पूरी के साथ, पूरी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। फ्लेम हम थोड़ी कम कर देंगे। नमक मैंने इतना लिया है, आलू उबालने में मैंने नमक नहीं डाला था। आपके हिसाब से, आप आपके जायके के हिसाब से डाल सकते हैं, आपको जितना डालना। इसी कच्ची पक्की प्याज में हम हरी मिर्ची भी डालेंगे। इसके साथ हम हरी मिर्ची को भी अच्छी तरह फ्राई करेंगे। प्याज हमारी थोड़ी सी ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच राई। हरा धनिया, आलू उबालने में मैंने हल्दी नहीं डाली थी, बगैर हल्दी के मैं आलू उबालती हूँ। 1/2 चम्मच मैंने हल्दी डाल रही हूँ। दस आलू लिए थे जिसको मैंने उबाल लिया है और इसके छिलके भी निकाल लिए हैं। अब हम इसमें आलू हम थोड़ा डाल दिया है। आलू की चटनी हमारी बनके तैयार है। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।